सिंध असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। निसार खोड़े ने कहा कि हुकूमती और अपोजिशन रुकन अंदरून और बैरून सिंध की बातें ना करें। संजय सादवानी हमारे साथ हैं, उनसे इस पर मजीद बात करें। संजय, क्या अहवाल रहा इजलास के दौरान? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में ये इजलास जारी था, जिस दरमियान पीटीआई के रुकन हैं शबीर कुरैशी, उन्होंने बात की कि अंदरून बैरून सिंध की जब बातें की तो निसार खोड़ो खड़े हुए और कहा कि ये अंदरून बैरून सिंध की बातें असेंबली के अंदर ना की जाए और यहाँ पर जो है वो इस किस्म का तासुर ना दिया जाए कि कोई सुपीरियर है, कोई एक्सटीरियर है, कोई इंटीरियर है। जब उसके दरमियान जो है वो एमकेएम के रुकन है सादर कायम खानी, वो अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और उन्होंने जो है वो बीच में बोलने की कोशिश की, जिस पर सूबाई वजीर पार्लियामानी उमर दयाल लंजार उन्हें खामोश बिठाने का। जी संजय, संजय से राबता मुनकता हो गया। आपको बताएं, सिंध असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस में इख्तलाफात सामने आ गए। निसार खोड़ो ने कहा कि हुकूमती और अपोजिशन रुकन अंदरून और बैरून सिंध की बातें ना करें। कराची और सिंध, अंदरून और बैरून सिंध पर एतराज़ है।